अभिषेक हाँ? अपनी तैयारी तो पूरी है ना मेहमानों के स्वागत की? हो दादा हो। हाँ, और कितने बजे आना शुरू होंगे मेहमान? अरे आना तो शुरू हो जाएंगे, लेकिन कुछ खास मेहमान है वो क्या? कुछ खास मेहमान है वो कितने बजे आएंगे अभिषेक? और कौन से खास मेहमान केशव? वो मतलब हमारे पुणे शहर के मेयर, कुछ एमएलए, वो खास मेहमान। हाँ कहना, उनके स्वागत की ड्यूटी हम भाइयों ने आपस में बांट ली अन्ना। हाँ ताकि आपका ध्यान पूरी तरह से सिर्फ पूजा में रहे। वाह 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 वाह, आ जाओ मेरे बच्चों। कितने जिम्मेदार हो गए हैं मेरे बच्चे। अरे प्रभाकर को कोई ड्यूटी ब्यूटी दी है ना तुम लोगों ने? ओ, मंडे का है। अरे वो तो मेन है। मेन है? हाँ। अरे प्रभाकर आजा बेटा आजा। प्रभाकर बेटा जरा यहाँ आ। मुझे तेरा गाना सुनना है बेटा, 2 घंटे हो गए तेरा गाना नहीं सुना। आजा बेटा आजा। हाँ सुना तेरा गाना सुना बेटा। सुनिए अन्ना, समंदर खारा होता है क्योंकि बस। अरे ये गाना तो जुबानी याद है मुझे। अरे लेकिन तुझे याद है ना केशव और अभिषेक के साथ तुम लोगों ने मिलकर के क्या तय किया था आज के लिए? क्या क्या तय किया था? तय किया है। हाँ तो बोल ना बेटा प्रभाकर, क्या तय किया था? सब। अरे प्रभाकर दादा आप मेन हो, प्रभाकर दादा याद है ना आपको? याद है ना? हाँ हाँ मैं मेन हूँ। हाँ। केशव मुझे मुझे सब कुछ याद है अन्ना। और आपको ये भी याद है ना प्रभाकर दादा, स्वागत तो पहले प्रभाकर दादा ही करेंगे डांस करके। कितनी बार याद दिलाएगा अभिषेक? हाँ मैं प्रभाकर दादा का स्वागत डांस देखना चाहता हूँ कि सही है या नहीं। क्या है ना कहीं ऐसा वैसा स्टेप हो गया तो मेहमान को आघात बिघात तो नहीं ना लगेगा। चल डांस कर। केशव पीछे जा पीछे जा। क्या तू ऐसा क्या देख रहा है? अरे तुम तीनों स्वागत डांस करने वाले हो ना, उसमें तेरा मेन स्टेप है, वो मुझे अच्छे से करके दिखाएगा ना। बोल। हाँ बजा म्यूजिक। Chipang, chipang, sarana, sarana, sagatang, lapak, lapak, chum, 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 tadak, tadak, tadi, Bhakharwadi, Bhakharwadi. बस। शाबाश। अभी सुन घनचक्कर, तुम तीनों ने स्वागत डांस का तय नहीं किया था, सिर्फ स्वागत करने की बात तय की थी आपस में बेटा। किसका स्वागत अन्ना? अरे मिस इंडिया स्पर्धा में हिस्सा लेने वाली कन्याओं का स्वागत। अरे प्रभाकर दादा मेहमानों का स्वागत करने की बात हुई थी ना सुबह हमारी। वो अभी याद आ गया। हाँ अभी और भी एक बात याद कर लो तुम सब भी, तुम अभिषेक, तुम निर्मिति, भारती, ज्योत्सना, पंडित जी, तुम भी याद कर लो। वो मान न मान मैं तेरा मेहमान जब आएगा तो उसका स्वागत आप में से कोई नहीं करेगा, मैं करूंगा।
यहाँ वाड़े में बीचों बीच बैठ के, और डांस वो मेहमान करेगा, बाम्बू डांस। मैं ऐसा मारूंगा बाम्बू हवा में सटाक सटाक, तो वो खास मेहमान तुम लोगों का उड़ी मारेगा, हवा में उछलेगा, भागेगा इधर से उधर। बहुत मजा आएगा है कि नहीं? जाओ ले आओ कुर्सी, ले आओ डंडा बिंडा, ले आओ मेरा कुर्सी, लगाओ यहाँ बीचों बीच। शाबाश, हाड़ू हाड़ू। तू इधर भाई 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 भाई, अन्ना ने तो समाधि ले ली वाड़े के बीचों बीच। पूछ पूछ पूछ, मुझे यहाँ हार्ट अटैक आ रहा है, आगे क्या होगा ये सोच के, और तुझे इसके इशारे का मतलब समझना है ना। फटाफट समझ लूंगी ना ये। तू वही नहीं, बीच का इशारा ऐसे भुट्टा खाने का इशारा कैसे? अरे बीच बीच आके सब लोग मकई भुट्टा खाती है ना मुंबई में, तूने तो मुझे कहा था। हो गया, अब सोचो इनको यहाँ से हटाए कैसे। नमस्ते अन्ना साहब, नमस्ते। नमस्ते। अरे अहमद, आजा आजा बेटा, आजा 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 आजा। ए केशव। हाँ अन्ना। आजा आजा करके बाहर कहाँ ले जा रहा है अहमद को? मेहमानों का स्वागत बाहर ले जा करके करते हैं कि अंदर ला करके करते हैं? नहीं नहीं, दरअसल अन्ना वो क्या, दरअसल क्या, तुझे क्या लगा अहमद के पीछे पीछे मैं भी बाहर जाऊंगा और फिर तुम लोग कुछ कालाकंडी करके उस खास मेहमान को अंदर लेकर आओगे मेरी गैर मौजूदगी में? ऐसा होगा नहीं बाड़ा। अहमद आजा 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 आजा। बहुत अच्छा लगा हमारे इस अवसर में हमारे घर पे तुम आए। मैं कैसे नहीं आता अन्ना साहब? अरे बैठो ना बैठो, किधर भी हा? मैं उधर ही बैठूंगा। अरे दो शरबत बिरबत दो मेहमान को। ये वाड़ा है ना वाड़ा, जर्मनी है, और ये हिटलर हिलेगा नहीं। तेरा कुत्ते वाला आइडिया था वो आजमाना? नहीं अभी नहीं। हा? अभी तो सिर्फ 10 ही बजे। विभावरी और जयंत कितने बजे आने वाले? 11:30-12 बजे आने वाले दोनों। वो दोनों आ रहे हैं? अभिषेक अमोल न्यूज चैनल संभाल। अमोल दादा, आपने हमारी बातें कहां से सुनी? यहां से। मतलब आपने क्या सुना? अरे तूने बोला ना कि 11:30-12 बजे आने वाले हैं वो दोनों। अब तीनों ने चैन की सांस क्यों ली? अरे अब हमें लगा कि तूने 11:30-12 बजे विभावरी और जयंत आने वाले ये भी सुन लिया। नहीं वो मैंने नहीं सुना। बाड़ा वो तो कैसे सुनेगा, वो हम बोले ही नहीं है। क्या खुसर पुसर हो रही है वहाँ? अन्ना। अरे अमोल भी है क्या? अमोल आजा बेटा इधर आजा। हाँ अन्ना आया। आजा अमोल इधर आजा इधर आजा। हाँ बोल बेटा क्या बातें हो रही थी? अरे उनको लगा कि उन्होंने जो नहीं बोला वो मैंने सुना, लेकिन मैंने तो नहीं सुना क्योंकि उन्होंने बोला ही नहीं। अच्छा। हाँ क्योंकि केशव दादा कहाँ बोले कि विभावरी और जयंत जी आने वाले हैं 11:30-12 बजे, तो मैं सुनूंगा कैसे?
कि 11:30 आने वाले हैं विभा और जया जी जी चे आहो 11:30 से अच्छा याद आया 11:30 शुभ मुहूर्त है आप ये फूल माला हमारी दुकान पर चढ़ाइए हाँ वाह वाह मेरी अयोध्या की कौशला सुमित्रा आज कई कई बन गई तुम मुझे वनवास दिलाने का विचार है ताकि वो रावण यहाँ पर आ सके मेरी गैर मौजूदगी में अहो आप ये क्या कह रहे हैं ओ कितनी भोली हो तुम मैं तो भूल ही गया पर तुम कैसे भूल गई कि मैं कितना शातिर हूँ जोचना गौरी आज सुबह ही पंचांग देखा था मैंने सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक सारे मुहूर्त सुबह ही है कि नहीं पंडित जी बोलो हाँ 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 देखा तो अभी मैं एक काम करता हूँ अभी चला जाता हूँ दुकान हाँ हार चढ़ाने और फिर 11:30 फिर इधर समाधि आता हूँ जरा आता हूँ अरे मंदार अरे बाबा ये तो चले गए अपने जासूस को चौकन्ना करने अगर भाई 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 सासू भाई अन्ना ने अगर जमाई बाबू की दोनों टांगे तोड़ डाली तो शुभ शुभ बोला ना वहीनी बराबर अन्ना ने अगर जमाई बाबू का सर फोड़ डाला तो ये शुभ शुभ था अभी दो टांगों की जगह एक सिर आया तो हुआ ना थोड़ा शुभ सासू भाई गप्पा बस गो सुनो 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 हाँ अब प्लान बदलना होगा हाँ अभिषेक तू विभावरे को फोन करके बोल कि अब भी यहाँ आ जाए हाँ सुचिता यहाँ आओ चल दिया अब तुम तैनात हो जाना अन्ना अभी दुकान पे जा रहे हैं लेकिन आते वक्त तुम्हें दिखे ना तो सिर्फ सिटी पे जाना हाँ कूल उज्ज्वला यहाँ जल्दी आओ क्या हुआ तुम मंदार पे नजर रखना वो अन्ना का चमचा अगर यहाँ आए ना तो अरे उसको तो पहले से ही बंडिया और मेनका ने अंदर अटका के रखा है अरे बहुत अच्छा अभिषेक विभा को फोन करके बोल दे जल्दी से यहाँ आ जाए और निकल जाए फटाफट यहाँ से हाँ और विभा को एक बात अच्छी तरह से समझा देना उसे जितना भी रोना है ना बाहर से ही रोध होके आ जाए उसके पास सिर्फ 10 मिनट होंगे दर्शन लेके उसे जाना होगा चल चल लौकर फोन लगा हाँ, हाँ, हाँ। क्या हुआ मेरा फोन लगता है मैं फोन घर भूल आई मोबाइल भी नहीं उठा रही विभाती दामाद जी को फोन मारो ना आओ मारो मारो पत्थर के साथ बांध कर मारना हाँ फोन जोर से दूर से फेंकना उनके मुंह पे अभिषेक बेटा फाड़ करूं हाँ For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.